ये देखिए दोस्तों ये मैं हूँ ठीक है और आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ वरना आप लोग बोलोगे यार झूठ झूठ दिखा रहा और मैं आपको सब बताता हूँ उस दिन ही लास्ट बात ठीक है हुआ है यहाँ पर देख सकते हो तो भाई आप लोग बोल रहे हो झूठ भाई मैं झूठ वीडियो क्यों बनाऊंगा बताओ ना नाम अमिताभ और ना दिलीप कुमार मेरा नाम है कार्तिक कुमार <laughs> <laughs> एक तो मैं आप लोग के लिए इतना रिस्क लेकर के वीडियो बनाता हूँ ठीक है और ऊपर से यार आप लोग ही मुझे फेक बता देते हो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया उसमें मैंने कॉलिंग का जो ये स्क्रीनशॉट रखा था भाई इसमें आप लोगों ने क्या कह दिया फेक है उसके चक्कर में तो भाई मतलब क्या ही बताऊं आप लोग को वीडियो तो आप लोग आगे देखोगे ही मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा सारा कुछ लेकिन यार गजब है आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हो भाई मैं आपके लिए इतना बताता हूं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को चैलेंज करता हूं कि जो मैं मनोज भाई के बारे में मतलब जानता हूं जो मैं Uh, मतलब ओरिजिनल चीज जो मैं बताता हूँ वो कोई नहीं आपको बताता भाई सब फेक बताता है लेकिन फिर भी भाई ओरिजिनल बंदा कोई विश्वास नहीं करते हो मैंने एडिट किया भाई मैंने एडिट किया उस वीडियो को आप लोग को क्या हकीकत देखना है आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को हकीकत से रूबरू कराता हूँ आप लोग दिखाते हैं जितने लोग यार झूठ झूठ बोल रहे थे कि झूठ है झूठ है देखो यहाँ पर ठीक है एमजे भाई और देखो यहाँ पर परवीन सर्च टू पॉइंट ओ से भी हमारी बात हो चुकी है और ज्योतिभा भी ठीक है एंड मनोज भाई का एक बार कॉल आया उसके बाद मैंने कॉल किया है तो भाई आप लोग बोल रहे हो झूठ भाई मैं झूठ वीडियो क्यों बनाऊंगा बताओ यार अब रियली मैं कर मतलब वीडियो कॉल हुआ वगैरह हुआ तभी ना बता रहा हूँ ठीक है तो ऐसा बात नहीं है यार आप लोग जो बोल रहे थे कि वीडियो में एडिटिंग है तो भाई एडिटिंग नहीं है ये देख लो आप लोग रियल कॉल है रियल कॉल ठीक है रियल एकदम है देख सकते हो देखो ठीक है बहुत अच्छे से तो गाइज उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं बगल में आप लोग को आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखो फर्स्ट में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर आ जाता हूं एंड गाइस यहां पर देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पर थर्टीन के हो चुका है फैमिली मेंबर्स एंड सभी को थैंक यू ठीक है और एक चीज कहना चाहता हूं भाई देख रहे हो रिच कितना ज्यादा बढ़ रहा है इंस्टाग्राम का मेरा एट्टी थ्री के अकाउंट रिचड चल रहा थर्टी डेज के अंदर में क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुका हूं अपने इंस्टाग्राम पर तो भाई डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है फॉलो कर लीजिएगा अपने भाई को इंस्टाग्राम पर एंड छोटा मोटा अपडेट्स तो वहां पर भी देता रहता हूँ जैसे कि क्या देखो मनोज भाई ने जब शादी किया ठीक है मनोज भाई ने जब शादी किया सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने ही पोस्ट किया किसी के पास नहीं था ये वीडियो ठीक है और देखो यहाँ पर वीडियो वायरल भी हो गया कितना व्यू आया जानते हो 56.6 के अभी तक आया है और पाँच लाइक आया है देखो 6000 लाइक हो गया भाई 5000 मैंने बोला 6000 लाइक हो गया ठीक है तो ये चीज आप लोग देख अब मैं आप लोग को दिखाता हूं आप लोग जो मुझे फेक बोल रहे थे फर्जी बोल रहे थे आप लोग को सारा कुछ आज हकीकत बताऊंगा और आखिर क्या हुआ मनोज भाई के साथ मेरा बात ठीक है या फिर ब्लॉक करने का सारा कुछ आप लोग को बताऊंगा तो पहले यहां पर देखो मनोज भाई से मेरा कब बात हुआ ठीक है यहां पर आप लोग देखो मनोज भाई जिस दिन शादी हुआ उससे पहले ही मैंने कॉन्ग्रेचुलेट देखो यहां से आया ये तो अकाउंट ओरिजिनल है ना अब आप लोग बोलोगे कि ये भी एडिट करके मैंने डाल दिया तो यहाँ पर देखो देखो अकाउंट ऑरिजिनल ही है ठीक है देखो यहाँ पर देख लो ब्लूटिक वगैरह चलो बैक आते हैं देखो गाइज यहाँ पर मैंने फर्स्ट में ही भैया को कौंसिलेशन बोल दिया था शादी का ठीक है तो भैया ने रिटर्न में मतलब यहाँ पर मैंने जो पोस्ट किया था उसमें लव यू ब्रो करके लिखा है तो फर्स्ट तो यहाँ पर आप लोग को कुछ हकीकत चीज दिखा दिया अब गाइज मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूं यहां पर आप लोग पोस्ट देखो जिस दिन शादी होने के बाद ही मैंने उनको कॉल किया था और जो कि आप लोग को वो फेक लगा ठीक है यहां पर बगल में आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो लेकिन गाइज यहां पर मैं आप लोग को कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि जो आप लोग को यहां पर फेक लग रहा था ठीक है जो मैंने बताया तो भाई यहां पर आप लोग देखो कि फर्स्ट में मैंने मनोज भैया को कुछ लिखा है ठीक है वहां पर लिखा है कि भैया शादी तो कर लिए सही बात है लेकिन पार्टी देना पड़ेगा बहुत हार्ड वाला और कुछ मानूंगा नहीं तो उसमें भैया डायरेक्ट मुझे कॉल किए ठीक है, है? भैया जी कॉल कर दिए तो बात हो गया उनसे तो वीडियो कॉलिंग यहाँ पर आप लोग को लग रहा है ना हकीकत कि हाँ मैंने हकीकत बताया अब गैस हो गई हम लोग की अच्छी से बात और उसके बाद भैया निकल गए वहां से गोवा ठीक है एंड गोवा में फिर हम लोग से थोड़ा बहुत बात हुआ एंड अभी तो यार आप लोग देखना प्रूफ दे... क्या बोलोगे आप लोग को प्रूफ बनाने के चक्कर में मैंने देखो यहाँ पर कॉल कर दिया था ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो से मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि मनोज भाई ने मुझे ब्लॉक वगैरह नहीं किया लेकिन आप लोग जो हकीकत नहीं मानते हो जैसे कि मैं किसी भी चीज को बताता हूं भाई मैं जो बताता हूं ओपन बताता हूं कि यहाँ पर कुछ भी छिपाया छिपाया नहीं है ठीक है और लेकिन आप लोग यह ट्रस्ट ही नहीं करते तो खैर कोई बात नहीं तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा एंड और एक चीज वीडियो में जब इतना लास्ट तक बने ही हो तो गाइज मनोज भैया अब घर आने वाले हैं रिटर्न एंड देखते हैं कि घर आने के बाद क्या सीन होता है ठीक है हालांकि सब कुछ बढ़िया ही है तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए बाकी घर तो आना पड़ेगा ना भैया को घर तो आना पड़ेगा ब्रो तो देखते हैं कब आते हैं बाकी अभी हम बताएंगे नहीं डेट वगैरह कि कब आएंगे क्या नहीं लेकिन जब भी आते हैं भाई एक धमाकेदार वीडियो तो आ जाएगा चैनल पे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तो तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम और प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई ऐसे फर्जी फेक मुझे जो बता दे तो ये फेक एडिटिंग है वो है वो है पूरा कमेंट आ रहा था भाई मुझे खराब लगा ये देख करके कि मैं इतना ये करके मतलब वीडियो बनाता हूँ इतना रिस्क लेकर के भाई एक रिस्की है ना ये सब सोशल मीडिया बहुत ख़राब चीज़ है ठीक है लेकिन फिर भी मैं उतना रिस्क लेकर के पिछला वाला वीडियो बनाया तो आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत अच्छा था लेकिन यार फेक वेक तो वो खराब लगा मुझे ठीक है तो इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया बाकी कैसा लगा आप लोग को आज का वीडियो और बाकी मैं आप लोग को आगे का भी अपडेट देता रहूंगा नोटिफिकेशन आप लोग को जाता रहेगा अगर सब्सक्राइब किए हैं तो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम